देखो वो रही वीरान पड़ी डेडवीड गुफा, वहाँ भूल कर भी मत जाना। हाँ थोड़ी डरावनी दिखती है पर इसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्दी सांस लेना बंद करो वरना बुरी आत्मा तुम्हारी नाक में घुस जाएगी। हाँ मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वैसा करने को कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तुम लोग मुझे हंसा रहे हो, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। ईलाई बुद्धू मत बोलो जी। डेडवीड वही जगह है ना जहाँ फ्राइड गाय स्लग्स मिलते हैं। चलो देखे क्या पता हमें भी मिल जाए। चलो भी दोस्तों ये एक नया एडवेंचर होगा। मुझे तो ये जगह सुनसान और डरावनी लगती है। वहाँ तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है बीमार जानवर। ओ मजाक करना बंद करो जी ईलाई, हम भूतों की बात कर रहे हैं ना। देखो मैं भूत से नहीं डरता क्योंकि वो होते ही नहीं है। हम बस यूं जाएंगे और लौट आएंगे। ठीक है तुम लोग यही रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। ईलाई मुझे ये पसंद नहीं। ईलाई तुम कहाँ हो दोस्त। ये मजाक करने का वक्त नहीं है जी। तुम्हारे चेहरे देखने लायक हो गए थे। बस बहुत हुआ, अब डरावनी आवाज निकालना बंद करो। ये हमने नहीं निकाली। ये खुल नहीं रहा, हम बच चुके हैं। अब मुझे लग रहा है शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर गलती कर दी मेरी बात सुनो जी। लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई भी ना मिले, इसलिए हमें बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए और भूतों की फिल्म भी उतारेंगे। मैं तो लोगों को ढूंढ रहा हूँ, आखिर वो सब है कहाँ। ये एक सोने की खान हुआ करती थी, फिर सालों पहले बंद हो गई। काफी लोग ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं जी, लेकिन उनकी सिर्फ चीखें ही सुनाई देती है, वो कभी भी दिखाई नहीं दे दे। ये तो अच्छी बात है, हम नए स्लग को ढूंढते ढूंढते एक पहेली भी सुलझा सकते हैं। या फिर हम एक अच्छी सी फुटेज उतार सकते हैं। हमारे खत्म होने की फुटेज। बस तू मुझे बहादुर दिखाना जब वो भूत मेरे दो दो दिमाग खाने लगेंगे जी। क्या तुमने दो दो दिमाग कहा। हाँ बिल्कुल, मेलोनॉइड्स के पास दो दिमाग होते हैं जी, इसी की वजह से तो मैं इतना होशियार हूँ। प्रांटो ये सिर्फ एक शवल है। इस कोरे में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें वापस चलना चाहिए इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए। कोई भी तुम्हारा दिमाग नहीं खाना चाहता प्रांटो। मेरे दिमाग को क्या हो गया। मेरे पास कुछ है जो इस फॉग से हमें छुटकारा दिलाएगा, सोनार स्कोप। अब सब ठीक है, अब कोई सामने आए तो हमें पता चल जाएगा। तुम्हें यकीन है वो काम कर रहा है। माफ करना मैंने ये गलत जगह लगा दिया था। बहुत हुआ, अब मैं जा रहा है यहाँ से। चलो ये मजा आ रहा है, ये हैलोवीन जैसा है। ये हैलोवीन क्या होता है। ये शेन की एक पुरानी परंपरा है, साल में एक बार हम डरावने कपड़े पहनते हैं और हमारे पड़ोसी हमें चॉकलेट देते हैं। जबरदस्ती की वसूली लग रही है। क्या बात है प्रांटो, मैंने तुम्हें इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। प्रांटो घबराया हुआ नहीं है, मैं बस ये वापस जा डरा हुआ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ पर मुझे लगा वो एक आवाज है या एक बीमार जानवर।
वो कह रहा था वापस जाओ। ये हवा की आवाज है और जहाँ तक मुझे पता है हवा कभी ये नहीं कहती वापस जाओ। हाँ लगता है तुम ठीक कह रहे हो। हे ब्रोंटो देखो एक दूसरा दिमाग खाने वाला भूत। हाँ हाँ मुझे तुम्हारी जोक पे हंसी नहीं आएगी। वापस जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे नहीं लगता वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। इनको सबक सिखाना होगा दोस्तों। क्या ये उन पर असर नहीं कर रहा? इस तरफ सब लोग अंदर आ जाओ। क्या अब हमारे लोगों को पकड़ के दिखाओ। अगर ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन नहीं मानता। चलो हमने उनसे पीछा तो छुड़ा लिया। बिल्कुल सही भूत लोग भाग जाओ मुझसे डरो। वो चले क्यों गए? अरे छिप जाओ जी वो वापस आ रहे हैं। नहीं सुनो यहाँ कुछ और भी है। ये कौन सी जगह है? ये तो स्लगटेरेनियन एक्सप्रेस है। और ये इस गुफा में क्या कर रही है? डेडवीड में तो स्टॉप नहीं था। ये नया है मतलब सच में नया। क्या वो सब वो ही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो डॉक्टर ब्लैक का सबसे खतरनाक पहरेदार है एल डियाब्लोस नाचो। तुम्हारे पास एक घंटा है अपने कपड़े पहनो और काम पर लग जाओ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? वो वापस आ गए। वापस जाओ। मेरा जवाब अब भी ना है। क्या वो एक फ्राइड गाय स्लग है? हुआ करता था उसे भी गूल बना दिया गया है। अब वो बन गया है नाइट गाय स्लग। उसे तुम डर के मारे कांपने लगते हो जब तक उसका असर खत्म नहीं हो जाता। पर उसके स्लग्स कैसे लगे? हमारे तो छू भी नहीं पाए। शायद इसलिए क्योंकि उसके स्लग्स गूल्स बन चुके हैं। जब ब्लैक उन्हें बदलता है तब किसे पता वो क्या बनते हैं। भूतों ने क्या कहा सुनो? उन्होंने उसे भी वापस जाने को कहा। वापस जाओ पर क्यों? चलो ठीक है हम अंदर जा रहे हैं। दरवाजा खोलो। मुझे पता लगाना होगा ये कर क्या रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। हम लोग यहीं चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। या हमें कोई जगह ढूंढनी चाहिए जैसे कि उस तरफ। मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं जी? वो चले गए। हमें उस कंट्रोल रूम में जाना होगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। दरवाजा खोलो। पासवर्ड क्या है? यही पासवर्ड था। ऐसी चीज ढूंढो जो अजीब हो और देखो अगर तुम्हें उस दरवाजे को खोलने की कोई स्विच मिले। इलाई जरा इसे देखो। इस खदान खोदने वाले में अजीब क्या है? ये उस भूत जैसा लग रहा है जिससे हम पहले लड़ रहे थे। ये वही है। देखा ये पहले जिंदा था मर गया कहानी खत्म। हो सकता है ये लोग डेडवीड से गए ही ना हो। उन्होंने कहा वापस जाओ। शायद वो हमें सावधान कर रहे हो
ताकि उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो। अच्छी सलाह है जी, हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। पहले पता लगाना होगा ब्लैक यहाँ से क्या ले जा रहा है। क्या बात है प्रॉन्टो। दोस्तों जरा ये देखो, उन्होंने तो यहाँ पूरा का पूरा माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये आखिर है क्या? वो सेफ्टी सूट उन्होंने जरूर किसी ना किसी वजह से पहना है। उस ड्रम में जरूर कुछ खतरनाक चीज होगी। काला पानी, तुम्हें पता है वो क्या है? शायद हाँ, और ये बहुत बुरा है। मेरे पूर्वज उन्हें करूम जनूल कहते थे, मतलब काला पानी। हमारी गुफा बिल्कुल इसके पास थी। कभी कभी ये काला पानी हमारी गुफा तक आ जाता था, तब वहाँ कुछ अजीब चीजें होती थी, कुछ अनहोनी चीजें। तो इस काले पानी से उनका क्या काम है? देखो ब्लैक एक आम स्लग को गूल में बदलता है। वो काला पानी इस्तेमाल करता है। इनके पास काला पानी का कुआं है जिससे वो स्लगटेरा के हर एक स्लग को गूल्स बना सकते हैं। अगर हम उसे ये पानी लेने से रोके तो वो किसी भी स्लग को गूल में नहीं बदल सकेगा। हमें उस कुएं को नष्ट करना होगा। वो भी मदद करेगा और मैं भी। मुझे कुछ काम है। अब मान भी जाओ प्रॉन्टो। देखो तुम मुझे अपनी झंझट में मत घसीटो। मैं अपने साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा फैसला है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। सही कहा, भले ही हमारे जीतने के चांसेस कम हो और शायद तुम भूतों से डरते भी हो, पर मैं जानता हूँ तुम किस से नहीं डरते। तुम सही काम करने से नहीं डरते, खासकर तब जब बात हो प्रसिद्धि और गौरव की। सही कहा तुमने। ठीक है, प्रॉन्टो मदद करेगा, पर हम इस तरह बिल्कुल हमला नहीं कर सकते जी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। जरूर करेगा। मुझे नाचोस कहीं दिख नहीं रहा और सब अपना अपना काम करने में बिजी हैं। तुमने कहा उस पानी के पास कुछ अजीब सी चीजें होंगी, किस तरह की चीजें? ऐसी चीजें जैसे तुम्हारा शरीर छोड़ देती है। इसीलिए वो ये प्रोटेक्शन सूट पहनते हैं। वो माइनस भूत नहीं है, शायद उन्होंने काले पानी को छू लिया होगा। हम इसे बंद कैसे करें? इस जगह को बम से उड़ा देते हैं ताकि ये पानी गुफा में भर जाए। कुछ और सोचना होगा। हमें उस बम तक पहुँच कर अपने हाथों से उसे बंद करना होगा। ठीक है, पर हम पहरेदारों से कैसे निपटें? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल आएगी। सामने से हड़िया बात समझ आई ना। कुछ करो। तुमने सुना नहीं? मैं कहता हूँ अभी की अभी हट जाओ। काला पानी लीक हो रहा है, जिसे छूने से देखो इसे क्या हुआ है? इससे पहले कि तुम्हारा भी ये हाल हो, तुम्हें ट्रेन में लौट जाना चाहिए। देखा ना, उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। ठीक है, अब इसे बंद करते हैं। जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। यहाँ तो कोई ऑन ऑफ का बटन भी नहीं है। एक बार और ले आओ, जल्दी जल्दी। सोचो कॉर्ड, कुछ सोचो। अरे जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए कि हम इसे बंद करने वाले हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उन घुसपैठियों को पकड़ो। मैं उन्हें संभालता हूँ, तब तक तुम लोग इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। तुम
ईलाय को अभी अभी एक नाइट गाइस लगी है। वो मेरे पीछे आ रहा है, बचाओ। इससे वो बाहर आ जाएंगे जी। मैंने कहा था ना कि शेर पे सवा शेर होने प्रॉन्टो आ गया है। उस स्लग ने तो मुझे डरा ही दिया। हमें टीम के पास लौट जाना चाहिए। मुझ पर से उस घूल वाले फ्राइड गाइस स्लग का असर अभी तक गया नहीं है। मुझे ये आवाज कुछ अच्छी नहीं लग रही बॉबी। तुम जरूर एक फ्राइड गाइस स्लग होगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम मेरे टीम में बहुत काम आओगे। वो रुको रुको, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये सब तुम्हारे साथ तब से हुआ जब ब्लैक ने वो कुआं खोदा है ना। तुम अब तक सबको सावधान करते रहे क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं और मेरे दोस्त हमेशा के लिए इसे बंद करवाना चाहते हैं। क्या आप मदद करेंगे? अब शायद हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ईलाय कहाँ है? तुम कहाँ हो ईलाय शेन? अपना कमाल दिखाओ बोपी। आग की दीवार। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ना नाचोस? तो पहले मुझे ढूंढ कर दिखाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। नहीं डरते? तो अब डरने लगोगे। नहीं। जेल में चलो। हमें यहां से बाहर निकालो अभी। उस ट्रेन को रोको। कंट्रोल रूम को नष्ट कर दिया जिससे यह मशीन का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जगह तो फटने वाली है। हमें उस पाइप को बंद करना होगा। कौन है? मैं हूँ, लेकिन सही कौन है? एक बार फिर प्रांत ने सबको बजा लिया जी। लो हो गया, अब सब ठीक है। अब ये नहीं खुलेगा और हम ख्याल रखेंगे कि ये बंद ही रहे। हे, देखो उसका असर खत्म हो रहा है। ये! बढ़िया। देखा तुमने, मैंने कहा था ना भूत भूत नहीं होते जी। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये एक लंबी कहानी है, पर इस जगह पर सोने की खान हुआ करती थी। फिर ब्लैक इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया और यहाँ सब कुछ बदल दिया। ब्लैक ने हमसे कुएं खोदने को कहा। हमें पता नहीं था कि वो किसलिए करवा रहा है, पर जब पता चला तब देर हो चुकी थी।
हम उसे कब से रोकना चाहते थे, पर वो घूल स्लग्स और हमारी इस कमजोरी की वजह से हम उन्हें रोक नहीं पाए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो न जाने हमारे साथ क्या होता। वैसे तुम्हारा यहाँ क्या काम था? किसी को लगा था कि यहाँ स्लग्स मिलेंगे। क्या तुम्हें ये वाले चाहिए? ले लो, तुम सब एक एक रख सकते हो। शुक्रिया, पर मेरे पास पहले से ही एक है। क्या हुआ इलाई? अब तक हमारी जीत नहीं हुई है। ब्लैक के लोग अपने साथ भारी मात्रा में काला पानी ले गए हैं। किसे पता कि उनके पास और कितना होगा, और अगर ऐसे और भी कुएं हैं तो ब्लैक इससे कितनी बर्बादी करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते।